नमस्ते दोस्तों, मैया की रसोई कान्हा की फुलवारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जन्माष्टमी स्पेशल बर्फ़ी बनाएंगे, व्रत के लिए फलाहारी बर्फ़ी बनाएंगे, जिसके लिए हमने ये मूंगफली है, मूंगफली को भून करके माइक्रोवेव में हमने भुना है। 3 मिनट में ये भून गया था, एक बार 2 मिनट, फिर दोबारा 1 मिनट भून के इसका छिलका हाथ से रगड़ के या कपड़े की सहायता से रगड़ के आपको छुड़ा लेना है और मिक्सी में इसको पीस लिए हैं। बहुत महीन नहीं करना है, थोड़ा सा दरबरा रखना है। ये हमारा मखाने का लावा है, इसको भी माइक्रोवेव में हमने भून लिया था और भून के इसको भी इस तरह से हम पीस लिए हैं, मिक्सी में इसे भी पीस लिए हैं। ये इसी चम्मच से 4 चम्मच के लगभग मिल्क पाउडर है। मिल्क पाउडर की जगह आप खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मलाई हो आपके पास उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खोया और मलाई लेने पे अगर आप ज़्यादा बर्फ़ी बना रहे हैं तो उसमें महक आ सकती है। मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा दिन तक चल जाएगी। 6 इलायची को हमने, 5-6 इलायची लगभग इसको हमने कूट लिया है। ये चीनी है, चीनी को हम पाउडर बना लिए हैं, 1 कटोरी की लगभग चीनी है। चीनी की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, यदि ज़्यादा मीठा पसंद हो तो ज़्यादा डाल दें, कम पसंद हो तो कम भी डाल सकते हैं। चीनी को भी हम पीस लें जिससे हमारी चाशनी जल्दी बन जाए। अब हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं। ये हैं, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 कप हमारा है, इससे 1/2 कप, और इसी में हम पीसी हुई चीनी को डाल देंगे। चीनी हम इसलिए पीस के डाल रहे हैं जिससे चीनी हमारी जल्दी मेल्ट हो जाए। हमें चाशनी इसमें 2 तार से कम ही बनानी है, लगभग 2 तार की चाशनी इसमें बनानी है आपको। बहुत से लोग बर्फ़ी बनाते हैं तो दूध डाल देते हैं, लेकिन दूध डालने पर यह है कि आप दूध डालेंगे तो फिर वही महक वाली समस्या रहेगी, बर्फ़ी आपकी लंबी नहीं चल पाएगी। और केवल चाशनी में बनाएंगे तो आपकी बर्फ़ी आराम से 15 दिन तक आप इसे खा सकते हैं। इसको हम 2-3 मिनट तक मीडियम गैस करके पकाएंगे, क्योंकि सभी चीज़ें हमारी भुनी हुई हैं इसलिए हमें कुछ भी अलग से नहीं भूनना है। 1/2 चम्मच केवल हम इसमें घी डालेंगे। जब सभी चीज़ों को मिलाएंगे, सभी मिश्रण को, तो 1/2 चम्मच केवल घी डालेंगे। गैस का फ्लेम हम धीमा कर देते हैं थोड़ा। आधा चम्मच के लगभग हम इसमें घी डाल दे रहे हैं। घी डालने का ये फ़ायदा है कि चाशनी आपकी मुलायम रहेगी। इस तरह से हम मिला लेंगे। अभी गैस धीमी करके हम इसे 2 मिनट तक और पकाएंगे। सभी चीज़ें आपकी तैयार हैं यदि, तो आपको इस बर्फ़ी को बनाने में 5-6 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। अब हम इसको बर्फ़ी को फैलाने के लिए थाली ले लेते हैं। दोस्तों, चाशनी हमारी तैयार है, थाली को हमने ग्रीस कर लिया है। अब इसमें हम बारी बारी से सभी चीज़ें डाल देंगे। इलायची पाउडर, मिल्क पाउडर डालेंगे, इसको पहले मिलाएंगे। आपको अच्छे से चाशनी अंगूठे में लगा करके देखना है, चिपचिपी लगे तो आप समझ लीजिए चाशनी तैयार है और झाग बन जाना चाहिए। इसमें जो गुठलियाँ पड़ गई इसको हम दबा दबा के इस तरह से कर देंगे। मूंगफली पाउडर और ये मखाना, आप इसको चाहें तो गैस पे भी भून सकते हैं, मखाना मूंगफली। सब चीज़ों को मिला करके हम फट से जल्दी से थाली में इसको जमा देंगे। सभी चीज़ें इस तरह से मिल गई हैं। लास्ट में आपको तेज़ी से काम करना है। आपकी बर्फ़ी जमने योग्य हो गई है। इसको चेक करने के लिए आप कढ़ाई की तरफ देख सकते हैं। कढ़ाई इस तरह से कढ़ाई आपकी हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी व्रत में, नवरात्र के व्रत में, जन्माष्टमी में आप बर्फ़ी बना सकते हैं। सारी चीज़ें यदि हम पहले से तैयार करके रखेंगे तो ये बर्फ़ी हमारी 4 से 5 मिनट में बन करके तैयार हो जाएगी। इसको हम इस तरह से सेट करके छोड़ दे रहे हैं। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो इसको अपने मनपसंद हम काट लेंगे। आप यदि माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसे गैस पे धीमी आंच करके भूनिए और इसमें घी नहीं डालना है, क्योंकि घी डाल देंगे तो मूंगफली का छिलका नहीं हट पाएगा।
और मखाना को भी बिना घी के सूखा भुनना है, बहुत ही धीमा करके मोटी तली की कढ़ाई में आपको भुनना है। ऊपर से आप चाहें तो कोई ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं, लेकिन हम नहीं लगाएंगे, जिससे कि इसमें मूँगफली मखाने सभी चीज़ का स्वाद आए। आधे घंटे के लिए इसको हम रख देते हैं, उसके बाद इसको हम काट देंगे। दोस्तों इस तरह से आप बर्फ़ी बनाइए, फलाहारी बर्फ़ी बनाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए। आगे हम किसी नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।